रहा है, 10 जुलाई को वोटिंग डाली जानी है, लेकिन उससे पहले आज नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आम सभा को संबोधित करेंगे। महेश चांडक, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, कमलेश शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या जानकारी? छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के 3 बार के विधायक रहे और चौथी बार विधायक के लिए अपना नामांकन पत्र फॉर्म करने के लिए बीजेपी की तरफ से आज कमलेश शाह ने अपना नामांकन भरा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तथा नव निर्वाचित सांसद विवेक भाऊ बंटी भी इस अवसर पर मौजूद थे। कमलेश शाह चूंकि पहली बार भाजपा से विधायक बनने विधायक के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है और वहां साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव और वीडी शर्मा साथ में रहे। साथ में जो है एक बात ये बता दें कि छिंदवाड़ा के जो अमरवाड़ा का जो चुनाव है लोकसभा के समय इन्होंने इस्तीफा देकर कमलेश शाह ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की थी, तब ये सीट रिक्त हुई थी और इसमें उपचुनाव यहाँ पर अब हो रहा है और 10 जुलाई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और लगभग यहाँ पर साफ होती जा रही है स्थिति की 3 त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे और गोंडपा गणतंत्र पार्टी जो है वो यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतार रही है और साथ में भाजपा से कमलेश शाह होंगे। ये निश्चित रूप से मुकाबला जो है त्रिकोणी होगा। महेश, नामांकन के दौरान कौन कौन मौजूद था, कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के उस वक्त मौजूद थे नामांकन के दौरान? नामांकन के दौरान जो है छिंदवाड़ा जिले के जो सांसद अभी नव निर्वाचित विवेक भाऊ बंटी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के वहां के अध्यक्ष हैं, जो भी जिले के अध्यक्ष हैं, साथ कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन हो सकता है, कुछ चर्चा चल रही है क्या की तरफ से जो है प्रत्याशी की? जहां तक के अभी जानकारी लग रही है कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस कमलनाथ जो है पूरी तरह से इस पे केंद्रित है और कांग्रेस से जो है विनय भारती जो है कांग्रेस के प्रत्याशी। अपडेट सबसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका महेश तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आम सभा को थोड़ी देर बाद संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नामांकन दाखिल कर दिया है कमलेश शाह ने। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं कमलेश शाह। तो वहीं कल मध्य प्रदेश